करी अरे बंसाली बौड़ी हद ही आओ मारे ला दहाई वाला अरे तुम का ज्यादा बोले वीडियो बन गयो। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। एसीबी तक पहुंचा मामला, कैमरा रिकॉर्डिंग ने खोली पोल, भ्रष्टाचार निरोधक तक पहुंची सीडी, अब आएगा मजा। दोस्तों, लगता है वो दिन अब लदने वाले हैं जब ड्राइवर का शोषण हुआ करता था और वो चुपचाप बैठ जाया करता था इस डर से कि कहीं फंस ना जाए, और आगे पहुंचता भी था तो कोई हलचल कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन अब जो युवा ड्राइवर इस फील्ड में आ रहे हैं, यानी इस व्यवसाय से जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, और वो जानते हैं कि कैसे किस तक पहुंचना है और किसकी बात किस तक कैसे पहुंचानी है। जी हाँ, इसका सटीक उदाहरण सामने आया है राजस्थान से। जी हाँ, 23 साल की उम्र का एक ड्राइवर जिसने आरटीओ की ऐसी पोल खोली है कि क्या ही कहने। देखिए ये वीडियो। पचास रुपया है तो कर दो साला। ला दहाई वाला वीडियो बन गयो। अब आरटीओ साहब तो बुरी तरह फंसते हुए नजर आए। किस तरह से आगे बढ़े, बड़ी आराम से पैसे लेने के लिए। हाथ में जब 50 रुपए देखे तो मुकर गए, कहा 100 रुपए दो। जी हाँ, 100 रुपए की डिमांड हुई, लेकिन सामने ये देखा कि ऊपर वाला सब देख रहा है, यानी कि कैमरा उनकी तरफ था, और ये देखकर थोड़ा सा पिछड़े। पिछड़ने के बाद फिर कहा कैमरा लगा इसलिए सवाल ज्यादा आ रहे हैं। और ड्राइवर का कहना है कि इस तरह एक बार नहीं कई बार हुआ है कि यहाँ पर इसी तरह वसूली की जाती है। इधर गाड़ी अंडरलोड है फिर भी एंट्री ले रहा है। 200 रुपया दिया था, 100 रुपया वापस दिया है। जी हाँ, बड़ी ही चालाकी से, होशियारी से और जागरूकता से ये वीडियो बनाई गई, पोल खोली गई, और उसके बाद बाकायदा लिखित में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही तक ये बात पहुंचाई गई, एसपी तक पहुंचाई गई। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने अपने गाड़ी नंबर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उन्होंने लिखा है कि वो ड्राइविंग करते हैं और कांडला पोर्ट गुजरात से आबू रोड जिला सिरोही के बीच चलते हैं, कभी कभार दिल्ली तक भी जाते हैं। जिला सिरोही आबू रोड तक इनके करीबन 4 से 5 चक्कर हो जाते हैं। गुजरात से आबू रोड की तरफ टैंकर भर के आते वक्त हर समय राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर ग्राम मावल व आबू रोड के बीच आरटीओ परिवहन विभाग आबू रोड की फ्लाइंग हर बार आबू रोड तक भरी गाड़ी हो तो 100 रुपए की एंट्री व आगे दिल्ली तक अर्थात बाहर की भरी हो तो 500 रुपए एंट्री वसूल करते हैं।
जिसकी हमें कोई रसीद नहीं देते, यानी रसीद नहीं मिलती। यदि एंट्री नहीं देते हैं तो गाड़ी की बिल्टी एवं अन्य कागजात ले लेते हैं और दिन भर वहीं इंतजार कराते हैं। ये आरोप लिखित में लगाए गए हैं। जब टाइम वेस्टेज होता है तो मजबूरन एंट्री देनी पड़ती है, ये आगे उन्होंने लिखा, और एंट्री देने पर ही कागजात और बिल्टी वापस देते हैं। हम गाड़ी के समस्त कागजात एवं बिल्टी वगैरह नियमानुसार लेकर अंडरलोड गाड़ी चलाते हैं, फिर भी आरटीओ वाले एंट्री लेने के नाम पर नाजायज परेशान करते हैं। अब ये बड़ी बात आगे इन्होंने लिखी है कि केवल राजस्थान स्टेट को पार करने में ही इनके लगभग 3500 से 4000 रुपए एंट्री के नाम पर खर्च हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और आगे इन्होंने लिखा है कि पिछली बार दिनांक 17 जनवरी 2024 और दिनांक 19 जनवरी 2024 को मैं कांडला पोर्ट से टैंकर भरकर आबू रोड आया तो दोनों बार मेरे से आरटीओ आबू रोड के कर्मचारी ने 100-100 रुपए की एंट्री ली, जिसके मैंने मेरे मोबाइल से वीडियो बना लिए, जिसकी सीडी मैं आपको पेश कर रहा। दोनों बार एंट्री लेने वाला एक ही गार्ड था जो खाकी वर्दी में तथा मुंह पर मास्क लगाए हुए था, जिसको मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पास ही आरटीओ विभाग की सरकारी गाड़ी खड़ी थी जो वीडियो में स्पष्ट नहीं दिख रही है। और नीचे उन्होंने लिखा है संलग्न वीडियो सीडी एक, यानी कि एक सीडी में ये वीडियो दी गई। सोचने वाली बात है कहां तक इन्होंने अपनी सोच को पहुंचाया। जी हां, आगे इन्होंने लिखा है प्रार्थी राणा राम, यानी कि इस तरह की सूझबूझ का काम किया और बात अपनी एसपी एसीबी यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही तक पहुंचाई। और अब ये देखिए टोल पर भी इसी तरह की कुछ हरकत चल रही है, सरेआम एंट्री ली जा रही है। ये है सिरोही आरटीओ पालक टोल पे अवैध वसूली, ये देखो ऐसे अवैध वसूली कर रहे हैं ये लोग। हर गाड़ी से 100, 50, 100, 250, बाहर की गाड़ी है 200, 500। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई भी आगे आकर खड़ा हो जा रहा है। सोचिए ऐसे में कोई हादसा हो जाए तो। और हाँ, हादसे से बचने के लिए आप इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831-90-831 पर। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो सुपर थैंक्स देना ना भूलें। सुपर थैंक्स कैसे देना है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook और Twitter पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।